विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में गई, लोगों से जनसंपर्क किया। कल दूसरे चरण का मतदान होगा 15 तारीख को, लेकिन मैं आपको सबसे चर्चित सीट अमेठी में ले चलता हूँ। इस समय मैं अमेठी में खड़ा हूँ, यहाँ उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित मुलायम सिंह के खास, यहाँ के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति वर्तमान में विधायक हैं। इससे पूर्व कांग्रेस के गद्दावर नेता संजय सिंह की दोनों पत्नियां, एक भाजपा से एक कांग्रेस से। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू रहा या चुनाव कौन जीतेगा, क्योंकि कोई दावा करता है कि अमेठी मेरा घर है, मेरा परिवार है, दूसरे का दावा रहता है अमेठी से मैं 24 साल दूर रही, अब मैं आई हूँ अपने बच्चों के साथ और उसे संवारना चाहती हूँ। यहाँ अमित शाह की 2-3 रैलियाँ हैं, उसके बाद राजनाथ। मैं इस समय आपको मिलाना चाहूँगा, हमारे साथ हैं भाजपा के विधानसभा मीडिया प्रभारी देव जी। देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप इस चुनाव में, अभी तक 2014 के पहले भाजपा का नामो निशान नहीं था, कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, विश्व स्तर पर कांग्रेस के नाम से अमेठी जानी जाती, अचानक 2 वर्ष में आपका ऐसा हुआ कि भाजपा में ही अमेठी दिख रही है जो कांग्रेस में थी। देखिए, सबसे पहले तो ये बात आपकी सही नहीं है कि 2014 से पहले भाजपा का कोई नाम नहीं था। आपको बताना चाहूँगा कि सन 1991 में पंडित जमुना प्रसाद मिश्र यहाँ के विधायक रहे हैं। 91 के बाद 2014 में आपकी सरकार दूर रही, लेकिन आपका विधायक भी नहीं रहा, विधायक आप 7,000-6,000 में समेट जाते हैं। एक मिनट, और उससे पहले जो है यहाँ से राजा रविंद्र प्रताप सिंह जनता पार्टी से सांसद रहे हैं, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, और उसके बाद भी यहाँ से महारानी अमिता सिंह जी जो है वो भाजपा से विधायक रही हैं। 1998 में महाराज संजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वर्तमान में भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने हल्ला बोल के केंद्र सरकार में स्थापित हुआ स्मृति को राहुल के खिलाफ, क्योंकि एक अच्छा मंच मानते हैं कोई राजनेता फेमस हो। स्मृति को 2014 से पहले कोई खास नहीं जानता था, उसके बाद अब एक नया ट्रंप कार्ड गरिमा सिंह को, कैसे मतलब है, क्या आपकी प्लानिंग है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है। स्वाभाविक तौर पर जब हमें इस रणनीति में अमेठी का विकास भी होना चाहिए। 70 के दशक में वही सड़क बिजली वाली समस्या, आज भी वो सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं आप। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्मृति ईरानी ने चुनाव जीतने के बाद भी अमेठी के लिए जितना कार्य किया है उतना कार्य शायद जीतने वाले प्रत्याशी ने नहीं किया है। माननीय राहुल गांधी जी की विकास निधि भी यहां से वापस चली जाती है, जबकि माननीय स्मृति ईरानी जी ने, अगर वापस चली जाती तो अमेठी की जनता क्यों उन्हें वोट देती है? और जब राहुल का दौरा रहता तभी स्मृति जी यहां आती हैं, ऐसा क्यों? उससे पहले तो भी आ सकती थी। देखिए, अमेठी की भोली भाली जनता को बेकूफ जो बनाना था इन लोगों ने बना लिया। इस बार माननीय स्मृति ईरानी जी को पूरे लोकसभा से 3 लाख से ऊपर वोट दे करके अमेठी की जनता ने ये साबित किया है कि अब हम केवल नाम पर वोट नहीं देंगे कि वीवीआईपी अमेठी है, अब हम काम पर वोट देंगे, अब हम ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो अमेठी का विकास कर सके, जो अमेठी में न्याय की स्थापना कर सके। प्रथम चरण का मतदान हो चुका है जी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़े दावे किए कि 90 सीट बीएसपी सुप्रीमो ने खेला कि हमारे हैं, वहाँ कैसा देखते हैं आपको, भाजपा को कितना आकलन लगता होगा? आप देखे होंगे लोगों से बातचीत भी होते हुए, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि निश्चित तौर पर कुछ मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं वहाँ पर हमें नुकसान होगा, लेकिन फिर भी मैं भी ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50 के आसपास सीटें, 73 सीटों में भारतीय जनता पार्टी। क्यों मुस्लिम से क्यों आपको समस्या क्या है? आपके प्रधानमंत्री सबका साथ सबकी विकास की बात करते हैं। हमें मुस्लिम से कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपने कहा मुस्लिम से मुझे खतरा है, क्या खतरा है? मैंने खतरा नहीं कहा, मैंने कहा कि मुस्लिम हमें वोट क्यों कम देगा, क्यों? आपके अंदर कुछ खामियां होंगी तब। कोई खामी नहीं है, उसका कारण ये है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक तरफ से मुस्लिम प्रत्याशियों को बहुत ज्यादा जो है उनकी संख्या बल को देखते हुए टिकट दिया। आपने एक भी नहीं घोषित किया? हमने, क्यों नहीं घोषित किया? हमने इसलिए नहीं घोषित किया कि हमको अच्छे कैंडिडेट मुसलमानों के नहीं मिले, इसलिए हमने नहीं घोषित किया। हमारा निशाना जातिगत नहीं है, हम सांप्रदायिक नहीं है, हमें तो केवल बदनाम किया जाता है। हम ये चाहते हैं कि अच्छा कैंडिडेट मिले, जिस जगह अच्छा कैंडिडेट जहाँ भी मिला है, मैंने अच्छे और चरित्रवान कैंडिडेट के लिए जो है पत्र जो पढ़ा लोगों ने, कहीं ना कहीं कॉपी राइट लगता है, वही लैपटॉप, वही शिक्षक, क्या आपके पास कोई नहीं योजना? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा घोषणा पत्र कॉपी राइट है। आपको बता दूं, हम मुस्लिम विरोधी, अभी आप कह रहे थे माननीय अटल जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तभी जो है वो हज यात्रा में सब्सिडी दी गई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी जो है वो माननीय राष्ट्रपति जो चुने गए वो भी एक मुस्लिम थे। आप मतलब आप मुस्लिम थे तो फिर आप हिंदू के विरोधी हैं, इसका मतलब ये राम मंदिर आपकी आज तक बनी नहीं, उसी पर आप चुनाव लड़ते आए हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ,
मैं तो एक ऐसे जो है वो दल से बिलोंग करता हूँ जो राष्ट्र को सबसे ऊपर रखता है और राष्ट्रवाद में जो अपना योगदान दे हम उसके साथ हैं, जो राष्ट्र का विरोधी होगा हम उसके विरोधी हैं, हम किसी के विरोधी नहीं। लेकिन वर्तमान की उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपने बेटी बचाओ मैदान में पता नहीं कौन कौन से नारे लेके चला। नहीं, ये नारे नहीं है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये नारा हमारी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आप सबसे ज्यादा तो दया शंकर की एक गलती आपको भाजपा को सत्ता में ला के खड़ा कर दी, जहाँ चर्चा नहीं थी वो सत्ता में आ गई, आप उसे कैसे देखते हैं? मतलब आपने खूब बुलाया, थाना घेराव, मीटिंग, सभाएं, स्वाती सिंह को टिकट भी दे दिया और सरोजिनी नायडर से, क्या स्थिति लगती है भाजपा वाकई में वापसी कर पाएगी 14 वर्ष बाद? दया शंकर जी ने एक छोटी सी गलती की थी, उसकी सजा, छोटी सी गलती उसकी किसी महिला को पर बदल था उसकी सजा पार्टी ने उनको बाहर करके दिया, लेकिन उसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जिस प्रकार से मीडिया के सामने जितना बेइज्जत किया स्वाति सिंह को, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मायावती ने क्यों नहीं निकाला? हमने तो आदर्शवादिता का परिचय दिया, हमने तो अपने कार्यकर्ता को बाहर कर दिया गलती करने पर, हम किसी को नहीं बर्दाश्त करते हैं। इतना बढ़िया परिचय दिया आपने, मौके को भुना लिया, राजनीति में कन्वर्ट कर लिया। नहीं, ये तो मीडिया की बात है, ये मीडिया कहती है हमने भुना लिया, बाकी हमें जो करना चाहिए था। वर्तमान में अमेठी की राजनीति का आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, किस मुद्दे पे चुनाव? अमेठी ने पूरी तरह से बदलाव का मन बना लिया है, अमेठी ने कई बार जो है वो कांग्रेस को मौका दे करके, पिछली बार जो है समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रसाद जी को मौका दे करके देख लिया, अमेठी को अब तक केवल छलावे मिले हैं, अमेठी के नाम को केवल भुनाया है इन कैंडिडेटों ने, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बार अमेठी के जनता का जो प्यार हमारे प्रत्याशी महारानी गरिमा सिंह को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, वो प्यार निश्चित तौर पर इस ओर संकेत करता है कि इस बार यहाँ से विधायक महारानी गरिमा सिंह होंगी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा जो यहाँ का विकास करेगा। और सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बननी है, इसमें क्या दोहराया है? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती खिलाफ आजकल बोलना बंद कर दिए, कहीं आप इशारा कहीं और तरफ नहीं आ रहा है? नहीं, इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा मुद्दा विकास है, हमारा मुद्दा भ्रष्टाचार का खात्मा है, हमारा मुद्दा राष्ट्रवाद है, इससे बेहतर मुद्दा क्या हो सकता है? नोटबंदी से आपके चुनाव अभियान में कोई फर्क पड़ा? नोटबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि नोटबंदी से हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि हमने नोटबंदी करके भ्रष्टाचार को मिटाया है, काले धन को खत्म करने का प्रयास किया है। यूपी के युवा मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यूपी के युवा मतदाताओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप जो है बेरोजगारी भत्ता जैसे लालच में न पड़ करके अपने आप को स्थापित करने के लिए माननीय मोदी जी की जो योजना है जिसमें युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, करोड़ों करोड़ रोजगार सृजन का हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है, हमारे एजेंडे में है, उसको देखें और उसके कारण अपने आप को भविष्य में स्थापित करने के लिए, देश को, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हमारा साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। आप युवा हैं, क्या लगता है किन मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अमेठी में खास कौन मुद्दा रहेगा, हमेशा चर्चित कभी से रहा? अमेठी में सबसे बड़ा गुंडाई हुआ है 5 साल में, गुंडाई के अलावा कुछ हुआ नहीं है। गुंडाई किसने किया भैया? गायत्री प्रसाद प्रजापति, विधायक तो आप ही चुने थे। गायत्री हमने नहीं चुना था। आप, हमको लगता है आपके यहाँ मैटर एक 36 गाँव वाला उठा, इस मैटर में आप क्या कहना चाहते हैं? 36 गाँव में हम लोग गए थे, गायत्री दरवाजे गए थे और रुके नहीं, जैसे गाड़ी उन्होंने आगे बढ़ाया हम लोगों ने नारेबाजी की। 36 गांव वाला क्या मैटर है, आप कुछ समझा पाएंगे? 36 गांव वाला मैटर ये है, वहाँ से गौरीगंज मुख्यालय 45 किलोमीटर है और वहाँ 36 गांव का जो बीच में केंद्र है वो 18 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर वहाँ सुल्तानपुर। तो क्या मांग है उनकी? 36 गांव की यही मांग है कि ये 36 गांव जो है सुल्तानपुर ज़िले में जोड़ दिया जाए। गायत्री प्रसाद ने यहाँ तक कहा कि मैं भादर से हार गया हूँ, हमको नहीं चाहिए, अगर भादर मैं हारता हूँ विधानसभा तो क्या हुआ, मैं राज्यसभा बन जाऊँगा, हमारे ऊपर मुलायम सिंह यादव की कृपा। आप क्या कैसे देखते हैं चुनाव? मैं अपने अच्छे नगर से देखता हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी में गरिमा जी जो हैं जो अच्छे प्रत्याशी हैं, जो हम चाहते हैं कि उनको की बार जो है उनको सभा में लाया जाए, एक बहुत निष्ठ कार्यकर्ता है और उनसे मुझे उम्मीद है कि जो है हमारे ग्राम सभा की और हमारे इस समाज की जो है व्यवस्था वही देख सकते हैं और मान्य गात्री वगैरह तो इस समय देख सकते हैं हमारे युवाओं के बीच में कितना आक्रोश अमेठी बदलाव की तरफ है। क्या वाकई में 27 तारीख को मतदान है, ये बदलाव, ये आक्रोश क्या सपा और कांग्रेस के खिलाफ जाएगा,
क्या भाजपा एक बार यहाँ कमल खिलाने में कामयाब होगी, क्योंकि प्रदेश में तो 14 वर्ष हो गए, यहाँ 91 के बाद भी सत्ता में नहीं आई ना यहाँ विधायक। मैं आपको एक नए शहर नए शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा, तब तक के लिए अलविदा।